दशहरे वाले दिन यानी कि कल देवी अहिल्या करेगी रावण गुन्नू का वध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो गुन्नू वध की वेट जो है हम सब कर रहे हैं कि कब करेंगे गुन्नू का वध। अब तो जी नहीं लगता, दिल से नहीं लगता, कभी आदत से निकल जाए जी मुंह से तो बात अलग है, मगर घर में वाड़े में सब गुन्नू जी कहते हैं तो मुंह से निकल जाता है, मगर जी वाली करतूतें तो गुन्नू की नहीं थी। खैर, अब वो घड़ी आने वाली है दोस्तों जब गुन्नू के जो सर को कलम कर देंगी देवी अहिल्या, और वो दिन है कल का यानी कि विजयदशमी का। और इसी दिन देवी अहिल्या अपनी विजय की पताका लहराएंगी जब वो गुन्नू का वध करेंगी। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गुन्नू जो है वो अब तिल मिला गया है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि गद्दी लूं तो कैसे लूं। देवी अहिल्या के सामने कोई भी चाल कोई भी षड्यंत्र उसका नहीं चला। इसके पीछे एक ही वजह है, देवी अहिल्या की साधना। देवी अहिल्या जिस निष्ठा के साथ भोले बाबा का स्मरण करती हैं, जिस निष्ठा के साथ उनसे रास्ता मांगती हैं, वही निष्ठा उनका जवाब होती है जो भोले बाबा उनके लिए देते हैं, शिव शंकर उनके देते हैं। तो जिसके साथ भगवान खुद हो उनसे गुरु जी कैसे जीतने की बात सोच सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, काफी समय से गुन्नू जी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि गुन्नू को कब होगी फांसी, कब उसका सर धड़ से अलग होगा, कब गुन्नू को सजा मिलेगी वगैरह वगैरह। एक बार मिली भी, अभी तक वो जख्म लेके गुन्नू घूम रहा है और इसलिए कह रहा है कि ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, बदला लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो भी कह रहा है। मगर अब दोस्तों तिल मिलाहट में जो गुन्नू गलती करने वाला है, मालेराव को लेके पहले से ही देवी अहिल्या परेशान है, बीमार है मालेराव, और पेशवा का भी प्रेशर है। हमने देखा आज कि पेशवा राजा का नाम चाहते हैं, अब पेशवा को राजा का नाम देवी अहिल्या मालेराव का भेज रही है। मगर यहाँ पे मालेराव तो इस हालत में नहीं है और इसी हालत का फायदा गुन्नू उठा रहा है, केसर का लालच देके, क्योंकि मालेराव के दिमाग में केसर है और केसर को ही वो देख रहा है इधर उधर। तो हमने जैसे कि कमिंग अप में देखा कि गुन्नू जो है केसर का हवाला देके मालेराव को एक स्टोर में ले गया है और वहां पे वो मालेराव के ऊपर तलवार चलाने की कोशिश करता है और देवी अहिल्या आके रोकती है। अब ये पहले भी कई बार हमने सीन देखे हैं जब देवी अहिल्या ने आके गुन्नू को रोका और फिर बात अलग चलेगी, फिर से कोई ना कोई गुन्नू के साइड से आ गया और गुन्नू बच गया, मगर इस बार नहीं बचेगा। इस बार जो हमला उसने किया है मालेराव पे, इसका जवाब उसको मिलेगा और गुन्नू का हो जाएगा वध। इसीलिए कल का दिन चुना गया है ताकि कल आप लोगों के दिल को शांति मिले और गुन्नू को मिले सजा। तो मैं उम्मीद करती हूं कि ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही दिख रहा है। तो देखते हैं कल गुन्नू वध, क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.